सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के 811 उर्स को लेके जो दौरा हुआ, कहाँ का आपने निरीक्षण किया है? देखिए, उर्स 811 जो इस बार होने वाला है उसकी तैयारी ऑलरेडी पिछले 1.5 महीने से चल रही है। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और बहुत ज़्यादा जायरीन आएंगे और विशाल रूप से उर्स होगा। उसकी तैयारी के हिसाब से हमारे जो समुद्र डिपार्टमेंट है उसका आज ग्राउंड लेवल रिव्यू लेने के लिए आए थे, क्या क्या स्थिति चल रही है, जो छोटे मोटे काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, जो सुधार है उसको हम जल्द से जल्द पूरा कराना चाहेंगे। साथ ही स्टाफिंग कैसे करवाना है, किस हिसाब से व्यवस्था करनी है, हमारा चाहिए इन्हें जो राउंड लगाने की जो व्यवस्था है वो कितना सुगम हो सके, उसको असुविधा कम से कम, उसका आज प्लान लेगा। थैंक यू सर। और बड़ा काम एक्टिव है और हम लोग भी एक्टिव हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गरीबनाथ के वसीले से बहुत सही रहेगा। हमारी पूरी टीम दुबई वगैरह शारी पूरे हम जो 20 मेंबर्स हमारे हैं ना बहुत एक्टिव हैं और पूरी खादिम कम्युनिटी का हमें समर्थन मिल रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो खास तौर से यूज। सर ये बताइए क्या जिला प्रशासन के कौन कौन अधिकारी आए थे और कहाँ कहाँ का दौरा करा था? एडिशनल वो कलेक्टर थे, SP थे और एडिशनल SP थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, पूरा हमला एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कमियां नजर आई कि चंद समय बचा है और कुछ कमियां हो तो वो पूरी की जाए? वो सब डिस्कस हो गया, सब हो जाएगा, सब सही चल रहा है। फिलहाल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे उर्स भरने की बहुत ही उम्मीद है और गरीब नवाज के जितने भी शदाई चाहने वाले हैं चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं सब गरीब नवाज के शदाई हैं, सब गरीब नवाज के चाहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और बड़ी ही आस्था के साथ उर्स का इंतजार करते हैं और काफ़ी दिन पहले वो अपने अपने घरों के अंदर उर्स में आने की तैयारियां करते हैं और इस बार माशाल्लाह जो कि एक्स्ट्रा ट्रेनें छोड़ी जा रही हैं पुलिस प्रशासन बिल्कुल अपनी जगह मजबूत है और दरगाह के चारों तरफ जो कि आज सर्वे किया और दरबार के अंदर भी पूरा गरीब नवाज की बारगाह में जो कमियां थी जो गेटों की और इधर उधर वो सब हमने बताई हैं SP साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर यहाँ के लोग और खुद्दाम ख्वाजा हम सब मिलकर गरीब नवाज के उर्स बहुत ही शान शौकत से इस बार भरेंगे। कितना समय उर्स में बचा हुआ है अभी साहब और उर्स की क्या तारीख रहेगी? बस ये अभी उर्स स्टार्ट होने वाले हैं चांद की 25 तारीख को, जहाँ हम खड़े हैं बुलंद दरवाजे पे यहाँ पर झंडा चढ़ेगा और ये जो कि भीलवाड़े से झंडा आता है गरीब नवाज की बारगाह में और 47 के पहले जो कि सड़क पार से आता था ये झंडा और अब भीलवाड़े से ही झंडा आता है और गरीब नवाज की बारगाह बुलंद दरवाजे पे झंडा लहराएगा और जब से उर्स शुरू हो जाएंगे तकरीबन 15 दिन माशाल्लाह ये उर्स शरीफ चलते हैं और बहुत ही अच्छी तादाद से इस बार आने की हमें उम्मीद है और एक्स्ट्रा बसें और ट्रेनें लगाई जा रही हैं जिस तरीके से और 29 तारीख को जो गरीब नवाज की बारगाह में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से यहाँ पर छड़ियाँ आएंगी और निज़ाम गेट से होती हुई बुलंद दरवाजे होती हुई गरीब नवाज की बारगाह में गरीब नवाज के आस्थाने पर जितने शदाई हैं आएंगे छड़ियाँ लेकर और हम सबके लिए दुआ खैर करते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान हमेशा बरकरार रहे और गरीब नवाज के शदाइयों को हमेशा खुशाबाद रखें। गरीब नवाज सबके दिल की तमन्नाओं को, आरजुओं को, इच्छाओं को और मनोकामनाओं को सरकार सबकी पूरी फरमाए। सब शदाई सब नाम लेवा हैं गरीब नवाज। आपका नाम और पद? मैं हाजी सैयद हसन हाशमी, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया, सैयद ज़ादगान दरगाह शरीफ। अस्सलाम वालेकुम।